हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो प्रॉपर्टी फ्रेंड्स मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ, ये प्रॉपर्टी है सेक्टर 123 मोहाली में, बिल्कुल हाईवे के ऊपर ही प्रॉपर्टी है, बैंगन हाईवे, जो 200 फीट का हाईवे PR7 है, जो जीरकपुर से सीधा आपका न्यू चंडीगढ़ मध्यमार्ग कनेक्ट होता है, बिल्कुल इस हाईवे से 200 मीटर के डिस्टेंस पर ये प्रॉपर्टी है। और जो प्रॉपर्टी मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये प्रॉपर्टी आप देख पा रहे हैं, एक जो है वो 250 स्क्वायर यार्ड्स में 4 BHK बनी हुई ये कोठी है, जिसमें आपको ग्राउंड फ्लोर पे जो है वो 3 BHK मिलने वाला है, फर्स्ट फ्लोर पे 1 BHK हमने यहाँ पे आपको बना के दिया है। तो एक बार बात करते हैं आउटर एलिवेशन की, आप देख पा रहे हैं काफ़ी सुंदर सा विद डिज़ाइनिंग आउटर एलिवेशन आपके लिए हमने तैयार किया हुआ है विद टफन ग्लास। ये रहेगी आपकी पार्किंग एरिया, अगर आप बाहर पार्क गाड़ियाँ करना चाहें, अगर ऊपर वाला आप जो है वो रेंट पे भी देना चाहें, तो ईज़िली आपके टेनेंट की 2 गाड़ियाँ यहाँ पे ईज़िली पार्क हो जाएंगी। यहाँ से रहता है हमारी मेन डोर गेट की एंट्रेंस, आयरन का गेट फ्रंट पे दिया हुआ है। अब देख पा रहे हैं जो पार्किंग का एरिया है, इतनी स्पेस यहाँ पे है कि यहाँ पे आप 2 बड़ी गाड़ियाँ अपनी इजिली पार्क कर सकते हैं। प्लॉट साइज़ अगर मैं बता दूँ आपको एक बार, 30x75 का ये प्लॉट साइज़ रहेगा, जिसमें काफ़ी स्पेसेस जो है वो हमने जो है इंडिपेंडेंट आपके लिए घर बनाया हुआ है। यहाँ पे रहती है आपकी 3rd गाड़ी की पार्किंग, आप देख पा रहे हैं काफ़ी स्पेसेस है, ये भी 2-व्हीलर पार्क कर सकते हैं आप, यहाँ पे कोई बड़ी गाड़ी भी पार्क करना चाहें तो यहाँ पे इजिली पार्क आपकी हो जाएगी। वाटर टैंक हम आपको यहाँ पे बना के दे रहे हैं अंडरग्राउंड, और यहाँ से जो है वो एक जो है वो रूम के लिए हमने यहाँ से भी एंट्री दी हुई है कि अगर आप सिंगल रूम को यूज़ करना चाहो, जैसे अगर आप ऑफिस स्पेस इसको बनाना चाहो या आप सिंगल रूम जो है वो किसी यूज़ में लाना चाहो, तो आप यहाँ से भी आप जो है वो अपना एंट्री एक्सेस आप कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है हमारी मेन एंट्रेंस। मेन एंट्रेंस पे आप देख सकते हैं काफ़ी एक सुंदर सा प्यारा सा हमने जो है वो मैश डोर यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाया है, जिसमें एक ग्लास वर्क भी हमने आपको करवा के दिया है। इसके साथ साथ जो है वो एंट्री पे ही आ जाता है हमारा मेन डोर, जो कि प्रॉपर वुडन का डोर है, अच्छे डिज़ाइनिंग के साथ एक काफ़ी हैवी हमने यहाँ पे डोर प्रोवाइड आपको करवाया हुआ है। एंट्री करते ही मेरे राइट साइड पे आप देख पा रहे हैं आपका रहेगा किचन। किचन में जो हमने जो है वो थीम यूज़ करी हुई है वुडन के लिए, जो सनमाइके के लिए वुडन प्लस वाइट की यहाँ पे थीम हमने यूज़ करी हुई है। आप देख पा रहे हैं काफ़ी क्वालिटी का यहाँ पे काम हुआ है, जितने भी कैबिनेट्स हैं सॉफ्ट क्लोजर रहेंगे सारे, HDHMR का बोर्ड यहाँ पे सारा यूज़ हुआ है, अपर कैबिनेट सारे हाइड्रोलिक हैं, और इतने कैबिनेट्स बने हुए हैं कि स्टोरेज की आपको कभी भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। डाउन सीलिंग हमने वुडन के साथ यहाँ पे भी करवा के दी है आपको किचन में, अभी जेगुआर की सारी फिटिंग्स रहेंगी। स्विचेस आप जितने भी पूरे घर में देखेंगे गोल्ड मेडल के स्विचेस हैं, जो कि ब्रांडेड आपके सारे हमने लगा के आपको दिए हुए हैं। किचन के बिल्कुल साथ में आपका जो है यहाँ पे रहेगा डाइनिंग एरिया, काफ़ी स्पेसियस एरिया है यहाँ पे, आप यहाँ पे 6 सीटर या 8 सीटर अपना डाइनिंग आप लगाना चाहो तो ईजिली आप यहाँ पे उसको प्लेस कर सकते हो। फ्रंट वॉल पे सारा जो आप ये देख पा रहे हैं ये वॉलपेपर नहीं है फ्रेंड्स, ये टाइल वर्क हमने आपको करवा के दिया है, जो कि एक बड़ा प्यारे सा जो है वो मतलब कलर कॉम्बिनेशन के साथ हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं। और इस घर में आप जो चीज़ देखेंगे, जैसे आपका शैंडलर हो गया या आपके फैंसी लाइट्स होगी, वो सेम एज इट इज़ ही आपको डिलीवर करी जाएंगी। इसके साथ साथ सामने आ जाता है आपका काफ़ी बड़ा आपका जो है वो LED पैनल, काफ़ी कैबिनेट्स इसमें हमने आपको बना के दिए हुए हैं। इसके साथ साथ आ जाता है आपका क्रोकरी सेक्शन, कुछ भी आप यहाँ पे अपना डिज़ाइन कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका डाइनिंग और फैमिली लॉन्ज एरिया, जो आपका सिटिंग एरिया है उसको पार्टीशन उसकी हमने करी हुई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छी एक वुडन की पार्टीशन यहाँ पे हुई है। यहाँ पे आप कुछ भी डिज़ाइनिंग अपने हिसाब से करना चाहो आप कर सकते हो। और ये रहेगा आपका फैमिली लॉन्ज एरिया फ्रेंड्स, या इसको आप अपना गेस्ट एरिया भी आप बना सकते हो। यहाँ पे भी फ्रंट में आपका एक काफ़ी अच्छी लाइट और वॉलपेपर हमने यहाँ पे दिया हुआ है, आप इजिली यहाँ पे अपना यू शेप में 10-12 सीटर यहाँ पे अपना सोफा सेटिंग प्लान कर सकते हैं। ऊपर जो आपकी डाउन सीलिंग रहेगी वुडन फ्लोरिंग वुडन के साथ आपके कॉम्बिनेशन रहेगा इसका, और काफ़ी अच्छी कोब लाइट्स यहाँ पे हमने आपको प्रोवाइड करवाई हुई हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा जो है वो फैमिली लॉन्ज एरिया। इसके साथ ही बिल्कुल रहेगा आपका एक रूम हमने बना के दिया है 5x7 का, इसको या फिर अपना स्टोर रूम या आप पूजा रूम बनाना चाहो, आप दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, आप बना सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये रहेगा आपका फ्रंट वाला फर्स्ट बेडरूम, क्लियर साइज बेडरूम का है बिकॉज इसके जो कबर्ड्स हैं वो हमने अंदर दिए हुए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको LED पैनल, डाउन सेलिंग हम आपको करवा के दे रहे हैं, और यहाँ से एक्सेस रहता है आपका बाहर के लिए, जो मैं आपको पहले बता रहा था कि एक रूम आपका जो है वो बिल्कुल बाहर से जिसकी एंट्री है। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट बेडरूम ये रहेगा, इसमें आपके जो कबर्ड्स हैं या जो आपका ड्रेसिंग एरिया है
वो बिल्कुल हमने सेपरेट दिया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छे जो है बोर्ड के साथ, काफ़ी अच्छी कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ प्रोवाइड करवाया है। फुल हाइट के आपके जो है वो कबर्ड्स हम यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसके साथ ही आ जाता है आपका अटैच्ड इस बेडरूम का जो है वो वॉशरूम। काफ़ी स्पेसियस वॉशरूम है, यहाँ पे अभी फिटिंग्स होनी बाकी हैं फ्रेंड्स। जैगुआर की सारी फिटिंग्स रहेंगी, वॉल हैंगिंग सारी सीट्स आपको यहाँ पे रहेंगी। तो ये आपका रहेगा फर्स्ट बेडरूम। सो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम 3 BHK जो है वो नीचे बना के दे रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है मोस्टली फैमिलीज़ की कि हमें ग्राउंड फ्लोर पे 3 BHK चाहिए। तो ये सेम उन्हीं लोगों के लिए हमने बनाया हुआ है। सो फ्रेंड्स, ये रहेगा सेकंड बेडरूम। यहाँ पे भी आपकी जो है वॉलपेपर आपको हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, डाउन सीलिंग विद वुडन जो है फिनिशिंग दे रहे हैं इसके साथ में। LED पैनल हम आपको यहाँ पे भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। और इसके भी जो कवर्ड्स रहेंगे या जो वार्डरोब्स और ड्रेसिंग एरिया रहेगा वो बेडरूम से सेपरेट है। सो बेडरूम का साइज आपका क्लियर रहता है, फुल हाइट के कवर्ड्स हैं। इसके साथ साथ आपका रहेगा ये वॉशरूम, जो कि काफ़ी अच्छे साइज के साथ, डिसेंट साइज के साथ ये वॉशरूम आपको प्रोवाइड हम करवा रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये था हमारा सेकंड बेडरूम एंड सेकंड वॉशरूम। और यहाँ से जो है वो एक्सेस रहती है हमारी जो है वो रेयर जो है वो टेरेस की, रेयर बैल्कनी की, सॉरी, जाली वाले जो पल्ले हैं, जो मैश डोर है वो हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है बड़ी स्पेस के साथ आपको जो है हमने एक जो है वो यहाँ पे बेड़ा प्रोवाइड करवाया हुआ है वॉशिंग के लिए। यहाँ पे आप इजीली अपनी वॉशिंग मशीन रख के यहाँ पे वॉशिंग कर सकते हैं। इतना खुला है यहाँ पे कि छोटे बच्चे यहाँ पे इजीली अपना जो है वो कुछ खेलना भी चाहें तो ईजिली जो है वो खेल सकते हैं यहीं आपके बेड़े में। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा सेकेंड बेडरूम। इसके साथ ही रहेगा हमारा मास्टर बेडरूम, जो रहेगा थर्ड बेडरूम है। सो भी हम एंटर हो चुके हैं अपने थर्ड बेडरूम में। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं स्पेस इस बेडरूम का एक फुली जो है वो आप ये बोल सकते हैं कि मास्टर बेडरूम है ये। इसमें हम आपको जो है वो आपके वॉलपेपर, आपकी लाइट्स जो आप देख पा रहे हैं आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। फुल हाइट के कबर्ड्स इसमें रहेंगे, जो कि स्लाइडर्स आपको रहेंगे सो दैट कि रूम का स्पेस ख़राब आपका ना हो। LED पैनल हम आपको इस बेडरूम में भी दे रहे हैं। और इसके साथ आपका रहेगा ड्रेसिंग एरिया, ड्रेसिंग एरिया के बिल्कुल साथ में अटैच्ड आपका रहेगा वॉशरूम। सो फ्रेंड्स, इस वॉशरूम का भी साइज आप देख पा रहे हैं काफ़ी स्पेसियस वॉशरूम है तीनों वॉशरूम, बिकॉज ये 250 गज में बनी हुई, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा 3 BHK कॉन्सेप्ट विद पूजा रूम ग्राउंड फ्लोर पे। इसका जो स्टेयर्स है वो आपकी आउटर स्टेयर्स है, सो दैट कि अगर ऊपर जो 1 BHK हमने बना के दी है कोई रेंट आउट करना चाहे या फिर कोई भी घर में रात को लेट आता है आपके घर में, उसके लिए आपके घर वाले परेशान ना हो तो उसके लिए स्टेयर्स हमने बाहर से दी हुई हैं। स्टेयर्स में जितना भी काम है सारा ग्रेनाइट का काम हमने यूज़ किया है, स्टेनलेस स्टील, एक हैवी स्टेनलेस स्टील हमने यहाँ पे यूज़ करी है। सो फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ और देखते हैं कि फर्स्ट फ्लोर में आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाया हम जो है वो हमने यहाँ पे करवाया हुआ है। सो फ्रेंड्स, अभी हम पहुँच चुके हैं अपने फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे एंट्रेंस करते ही आप देख पा रहे हैं सबसे पहले यहाँ पे फ्रंट में आपकी आती है बैल्कनी, जिसमें टफन ग्लास के साथ एक जो है स्टेनलेस स्टील की रेलिंग हमने आपको प्रोवाइड करी है। प्रॉपर सनी फेसिंग ये कोठी है, प्रॉपर धूप आपके घर के अंदर रहेगी। और फ्रेंड्स, यहाँ से जो है वो एंट्रेंस रहेगी आपके थर्ड बेडरूम के लिए। यहाँ पे भी आपको मैश डोर प्रोवाइड हमने करवाया हुआ है, एक वुडन का गेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा जो मेन एंट्री के लिए रहेगा। ये आ जाता है हमारा जो है वो किचन, फ्रंट में आप देख पा रहे हैं प्रॉपर फुली मॉड्यूलर किचन हमने यहाँ पे भी आपको प्रोवाइड करवाया हुआ है। इसके साथ सामने आ जाता है आपका डाइनिंग एरिया, या आपको इसको सिटिंग एरिया बनाना चाहे प्रॉपर यहाँ पे सिटिंग एरिया भी बना सकते हैं। इसके साथ अटैच्ड रहेगा जो है वो हमारा फर्स्ट बेडरूम। इस बेडरूम में भी फ्रेंड्स हमने सारा काम करवा के दिया हुआ है, वॉलपेपर यहाँ पे लगा रहेगा, डाउन सीलिंग विद वुडन यहाँ पे रहेगी, LED पैनल यहाँ पे रहेगा और यहाँ से एक्सेस रहेगा आपका फ्रंट बैल्कनी के लिए। आप देख पा रहे हैं LED पैनल जो है वो काफ़ी प्यारा LED पैनल हमने बनाया है। इसमें जो वॉलपेपर यूज़ हुआ है प्रॉपर कॉम्बिनेशन के साथ आपका वॉलपेपर लगाया हुआ है हमने यहाँ पे। इसके साथ में ही रहेगा हमारा सेपरेट कबर्ड्स और आपका ड्रेसिंग एरिया, सो दैट आपके जो है वो रूम की स्पेस खराब ना हो फ्रेंड्स। और ये रहेगा आपका फोर्थ बेडरूम का फोर्थ वॉशरूम। फिटिंग्स होना बाकी है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, वेंटिलेशन लाइटिंग के लिए प्रॉपर यहाँ पे भी आपको जो है वो हमने स्पेस जो है वो छोड़ा हुआ है फ्रेंड्स। सो ये था हमारा गाइस जो है वो थर्ड अपना फोर्थ बेडरूम, फर्स्ट फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम। अब हम चलते हैं अपने रेयर टेरेस की तरफ, जो कि जो रेयर टेरेस के लिए यहाँ से आपका जो है वो एक्सेस रहता है।
सो फ्रेंड्स, ये है हमारा रेयर टेरेस। आप देख पा रहे हैं इतना स्पेस इसमें जो है वो रेयर टेरेस में छोड़ा गया है। आप यहाँ पे अगर चाहो तो ईज़िली यहाँ पे अपना टू रूम और अगर दो कमरे बनाना चाहो तो यहाँ पे अपना आप दो कमरे और बना सकते हो, बिकॉज़ यहाँ पे आपका जो है वो G+2 कॉन्सेप्ट पास हो जाता है। यहाँ से स्टेयर्स हैं आपके ऊपर रूफ के लिए, और अगर आप जो है यहाँ से इसके ऊपर भी आप एक जो है फ्लोर और बनाना चाहो तो आप यहाँ पे इसको भी नक्शे को एक्सटेंड करवा के यहाँ पे जो है वो बना सकते हो अपना थर्ड फ्लोर भी। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा जो है वो टेरेस रेयर। जैसा कि मैं आपको आपने अभी देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर जो है वो घर वगैरह हमारे बन चुके हुए हैं, ऑलरेडी यहाँ पे फैमिली जो है वो शिफ्ट हो चुकी हुई है। सो प्रॉपर रेजिडेंशियल एरिया है, बिल्कुल आपके वॉक इन डिस्टेंस पे काफ़ी अच्छी मार्केट यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। वॉक इन डिस्टेंस पे आपको पार्क रहेगा जो कि एक MC का पार्क है, काफ़ी जो है वो बड़ा पार्क यहाँ पे आपको यूज़ हमने जो है वो करने को आप यूज़ इसको कर सकते हो, या फिर आपके बच्चे वगैरह खेलना चाहें तो यहाँ पे इजिली खेल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको हमारी ये आज की जो वीडियो है ये आपको पसंद आई होगी। जो कोठी मैंने आपको दिखाई है, जो प्रॉपर्टी दिखाई है, ये आपको पसंद आई होगी। अगर फ्रेंड्स ये प्रॉपर्टी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी जो इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, या अपने जो है वो जो भी आपके रिलेटिव हों जो प्रॉपर्टी लेने में इस टाइम इंटरेस्टेड हों, सो दैट कि उनके तक ये वीडियो पहुँच सके। लाइक ज़रूर करें वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिकॉज आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हम आपको और भी जो है वो दिखाने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, जो है अगर आप इस प्रॉपर्टी को रिलेटेड अगर आप विजिट आप यहाँ पे करना चाहें या कुछ इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहें इस प्रॉपर्टी के लिए, सो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। बहुत जल्दी आपके सामने एक नई वीडियो के साथ जो है वो हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।